पूर्ण मनोयोग से इसको देखिएगा ट्रिक को। डायरेक्ट हम ट्रिक पर आते हैं। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है आपका है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। देख रहे हैं ना, ए का वेतन जो है बी के वेतन से 50% अधिक है। जैसे ए का वेतन बी का वेतन मान लीजिए 100 रुपया है और ए का वेतन क्या हो जाएगा, 150 रुपया। ए हो गया, ए बी हो गया। अब देखिए बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, कम आप देख ही रहे हैं, कितना कम है आप देख रहे हैं। तो इसके लिए क्या है, जो कम है उसको ऊपर लिख देंगे, कितना कम है, कितना इसमें बढ़ोतरी हुई, 50 हुई थी, 50 में फिर क्या करेंगे, 100 में फिर 50 को जोड़ देंगे, इसके बाद 100 का गुणा कर देंगे, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा 50 बटा 150 गुणे 100। सिंप्लीफाई कर लेंगे कट जाएगा ये। और देखिए यहाँ 50 है, यहाँ देखिए 5 काट दें, 5 दहम 50, 5 तिहाई 15, 10 दहम 100, 100 बटा 3, 100 बटा 3 का मतलब हो गया 33 सही 1/3। 33 सही 1/3% जो है बी का वेतन जो है ए से कम है। इस ट्रिक को कैसे हम हल करते हैं जरा समझिए, बिना इतना किए। जितना अधिक है, जितना पूछा जा रहा है, ए का वेतन जो है 20 से 50% अधिक है, मान लीजिए 1 से अधिक है तो 1 को ऊपर लिख दीजिए, फिर 100 में 1 को जोड़ दीजिए नीचे बटा करके, ठीक है, और उसमें 100 का गुणा कर दीजिए, यही जो आएगा यही प्रतिशत में आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला देखिए, फिर इसमें देखिए तुलना कीजिए जरा। चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है, ज्ञात करें कि कोई गृहिणी चीनी का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे। जब चीनी का मूल्य 25% बढ़ता है, और देखिए शर्त क्या है, उसका चीनी का मासिक बिल न बढ़े, जितना खर्च करती थी गृहिणी उतना ही खर्च करेगी। मूल्य बढ़ रहा है, निश्चित तौर से उसके प्रयोग में कमी होगी ही होगी। कितनी कमी होगी, पहले बढ़ रहा है फिर कमी होगी, और उसका खर्च नहीं बढ़ रहा है, उसका खर्च पूर्ववत है, अपरिवर्तित है, मासिक बिल न बढ़े। ऐसी स्थिति में वही ट्रिक अप्लाई कीजिएगा, पहले वाले में 25% बढ़ा है तो आप जानते हैं, बताया था एक्स अपान 100 + x इंटू 100, तो इसमें 25 है, 25 में 100 में फिर 25 नीचे जोड़ देंगे, जो आएगा इसमें 100 का गुणा कर देंगे, आप जानते ही हैं 25 बटा 125 गुणे 100, आप काट दीजिए 25 से कम 25, 25 25 125, 100 बटा 5, इसका मतलब हो गया 20। 20% 20% की क्या करेगी गृहिणी, चीनी का प्रयोग 20% कम कर देगी, तो उस उतने ही पैसे में, उतने ही धन में जो खर्च करती थी उतने में उसका काम चल जाएगा। जब मूल्य 25% बढ़ गया है तो प्रयोग में 20% की कमी हो गई। ये ट्रिक आप तुरंत फॉलो कीजिएगा, कुछ नहीं, देखिए बहुत आसान ट्रिक है, आप लोग समझते चलिए। तीसरा देखिए इसी प्रकार से है, किसी आयताकार खेत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाती है, इसकी चौड़ाई का कितने प्रतिशत कम कर दी जाए, क्षेत्रफल में कोई अंतर ना, जैसे खर्च में कोई अंतर नहीं था तो क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं आएगा। तो आप जानते हैं क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर होता है, लंबाई में 60% बढ़ोतरी की गई है, सीधे लिखिएगा 60 बटा 100 धन 60 गुणे 100, ये हो गया 60 बटा 160 गुणे 100, 1 0 इससे काट दिए, ठीक है। फिर यहाँ क्या करते हैं, फिर यहाँ देखिए फिर सिंपलीफाई कर लीजिए इसको, 4 यहाँ काट दिए, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 16, 15 × 10 = 150 हुआ, 150 में 4 का भाग दे देंगे, कितना हो गया ये, 4 × 3 = 12, 4 × 6 = 28, 37.5 या 37 सही 1/2, 37 सही 1/2 जी, 37 सही 1/2 आ जाएगा सिंपलीफाई करने के बाद, 37 सही 1/2%।
इसके चौड़ाई में कमी कर दी जाएगी। पहले यहाँ आप सरल कर लेते, यहाँ 75 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, इसका आधा कर देंगे, यह आ जाएगा 37/2%। तो पहले जब बढ़ोतरी दी गई है, उसका क्षेत्रफल न बदले, उसके कोई खर्च में परिवर्तन न हो, मूल्य में बढ़ोतरी कर दी गई, उपभोग में कितना कमी कर दी जाए, आयताकार खेत की लंबाई है या त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में है, आधार का परसेंटेज बढ़ा दिया गया है, ऊंचाई का परसेंटेज कितना कम कर दिया जाए, क्षेत्रफल कोई अंतर ना हो, इस तरीके की जब प्रश्न आवे ठीक वही फार्मूला अप्लाई कीजिएगा, एक्स अपान 100 + x × 100। बेस्ट फार्मूला है, ये ट्रिक अच्छी है, इसी से आप प्रयोग कीजिएगा, घंटों काम मिनटों में होगा। आगे देखिए दूसरे ट्रिक के बारे में चलते हैं, दूसरे ट्रिक के बारे में जरा देखिए, उसी का अपोजिट है। ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है, जैसे बी का वेतन 100 है, आप एक वर्ष में लीजिए, और ए का वेतन जो है 40% कम है, 40% में कमी आ जा रही है, कितना हो जाएगा, 60 होगा, देख रहे हैं ना। तो ये देखिए, ए का वेतन जो है बी के वेतन 40% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना ज़्यादा है, इस ट्रिक को जरा देखते हैं कैसे होगा। तो दिया गया है, कमी पहले दी गई है और इसे पूछा जा रहा है ए का वेतन कितना अधिक है, कमी दी गई है, मान लीजिए कमी x है, तो x अपान 100 - x × 100। तो यहाँ देखिए x कितना दिया गया है, 40/100 - 40, समझ रहे हैं आप ना, गुणे 100, तो 40/60 गुणे 100 काट दीजिए आप, ठीक है, 2 × 3 = 6, 2 विषम हुआ, ये हो गया 200/3 हो गया, ये इसको आप सरल कर देंगे, आ गया 66 सही 2/3%। तो 66 सही 2/3% जो है बी का वेतन ए के वेतन से अधिक है, समझ रहे हैं ना, 66 सही 2/3% इसका अधिक है। सीधे जो कमी दी गई है, कमी को x मान लीजिए, x/100 - x × 100 कर दीजिए। अगले सवाल को देखिए जरा, ऐसे है, उसी का अपोजिट बताया था कि चने के मूल्य में 20% कमी की जाती है, तो इसका उपयोग कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, खर्च में कोई परिवर्तन ना आए। पहले आप पढ़े थे मूल्य में बढ़ोतरी की गई, खर्च में कितनी कमी की जाए उपयोग में, अब की बार क्या इसका अपोजिट है, 20% कमी की गई मूल्य में, तो यहाँ 20/100 × 20 × 100, 100 में 20 घटाएंगे 80 आ जाएगा, 80 × 100, देख रहे हैं ना, कर देंगे यहाँ, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, 2 × 5 = 10, कितना आ गया आपका 25%, कितना आया 25%। उपयोग कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, उपयोग 25% बढ़ा देंगे, तो जितना पैसा आप खर्च करते थे उतना ही खर्च करेंगे, 25% आप उपयोग अधिक कर सकते हैं, कब, जब मूल्य कम कर दिया गया तब। सीधे वही फार्मूला अप्लाई कीजिए, जैसे त्रिभुज के क्षेत्र आधार देखिए दिया गया 10% कमी की गई है, सीधा आप कुछ नहीं करना, 10/100 × 10 × 100, 10/90 × 100 × 100 यहाँ काट देंगे, 10 × 100 = 9 बराबर हो गया 11 सही 1/9%। क्या 11 सही 1/9% क्या किया जाएगा, ऊंचाई में ऊंचाई का प्रतिशत बढ़ा दिया जाएगा, ऊंचाई का प्रतिशत बढ़ा दिया जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया। अगला देखिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जरा देखिए, एक दुकानदार अपने सामान मूल्य, अपना सामान जो है मूल्य पहले 25% था, बाद में 20% बढ़ा देता है, ये दूसरी ट्रिक पर आधारित है, जरा देखिए, एक बार मूल्य 25% बढ़ाता है, दूसरी बार 20% बढ़ाता है, तो समझिए पहला पढ़ी बढ़ोतरी क्या हुई, x हो गई, दूसरी y हो गई, इसका ट्रिक है, जरा नोट कर लीजिए आप लोग, कहीं नोट कर लीजिए, दोनों बढ़ोतरी होती है, क्रमशः बढ़ोतरी होती है, लेकिन प्रतिशत में बढ़ोतरी हो रही है, तो इसमें क्या करेंगे,
मान लीजिए पहले एक्स है, दूसरा वाई है, इसका ट्रिक है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, ठीक रहे ना, इतना आ गया कि आ गया आपका प्रतिशत आ जाएगा। लगाइए, देखिए, हल कीजिए, 25 धन 20 धन 25 गुणे 20 बटा 100, हल कर लीजिए कितना आया, ये 20 25 20 कितना हो गया 45, धन 25 में 20 गुणा करेंगे आ गया 500 बटा 100, कट जाएगा 5 आ गया, 45 5 50 50%, उसके सामान के मूल्य में कुल कितने वृद्धि की गई, 50%। जैसे मान लीजिए पहले आप देखिए, जैसे 100, यहाँ देखिए पहले मूल्य 100 था, 25% बढ़ा तो 125 हो गया, 125 बटा 100, फिर क्या हुआ 20% बढ़ा 120 बटा 100। यही आप सिंपलीफाई करेंगे, देखिए कितना आएगा, इसी फार्मूले ट्रिक पर आधारित है, देख रहे हैं ना। और उसी प्रकार देखिए अगला सवाल, किसी समांतर चतुर्भुज के आधार को 50% घटाया जाता है, क्या ध्यान सुनिए, वो क्रमशः बढ़ोतरी हुई थी, यहाँ क्या है घटाया जाता है, जबकि ऊंचाई को भी 40% घटाया जाता है, क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत कमी होगी। आप जान रहे दोनों जगह घटाया जा रहा है तो निश्चित है क्षेत्रफल में कमी आएगी ही आएगी। पहले वाले ट्रिक में क्या था, इसके जस्ट पहले वाले में दोनों जगह बढ़ाया गया था, क्षेत्रफल में वृद्धि हुई थी। अब क्या करें, क्रमशः घटोत्तरी हो रही है, उसके लिए क्या फार्मूला जरा नोट कीजिए। मान लीजिए क्या है, एक्स घटा यहाँ वाई घटा, यहाँ क्या करेंगे, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स इंटू वाई 100, जो आएगा वही प्रतिशत होगा। हल कीजिए इसी फार्मूले से, माइनस एक्स माने हो गया माइनस 50, माइनस वाई माने माइनस 40, प्लस एक्स में वाई गुणा किया गया 50 गुणे 40 बटा 100, ठीक रहे ना। आप यहीं से भी हल कर सकते हैं इसको, यूँ 20 आ जाएगा, तो माइनस 50 माइनस 40 सीधे जोड़ देते हैं, माइनस 90 हो गया, और यहाँ धन 5 20 हो गया, तो आ गया क्या, माइनस 70। अब यहाँ देखिए आपको दो चीज़ क्लियर हो रही है, यदि उत्तर निगेटिव में आ रहा है समझिए क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो 70% क्या हो जाएगी, कमी होगी उसके कुल क्षेत्रफल में, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में टोटल कमी हो जाएगी 70%, 70% की कमी यहाँ माइनस में है। यदि यहाँ पॉजिटिव होता, आप अभी अगले सवाल में देखेंगे, पॉजिटिव होगा तो वृद्धि होगी। यदि पंखों के मूल्य में, अगला सवाल देखिए, 9 पर आ गए हम, यदि पंखों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से उसकी बिक्री में 40% कमी आ गई, अब क्या करते हैं, देखिए पहले यहाँ आप बढ़ोतरी हुई है, फिर यहाँ कमी हुई है, ऐसे प्रश्न को हल करते समय आपको ध्यान देना होगा, पहले वृद्धि हुई है, एक्स पॉजिटिव है, एक्स मान लीजिए इसको, इसको वाई मान लीजिए, यहाँ फिर घटोत्तरी हुई है, कमी हुई है, एक्स माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई, यहाँ इंटू का चिन्ह दशमलव मत मानिएगा, चलिए मैं गुणा कर दे रहा हूँ, बटा सब। तो यहाँ देखिए 20% की वृद्धि हुई है, तो यहाँ लिखेंगे 20 माइनस 40% कमी हुई है, माइनस 40, फिर यहाँ माइनस 20 गुणे 40 बटा 100, फिर जाइए 20 में 40 घटाएंगे आएगा माइनस 20, फिर यहाँ माइनस 0 0 कट जाएगा, दोनों बचेगा, यहाँ दो चौक क्या बचेगा, दो चौक, यहाँ देखिए दो चौक 8, यहाँ देखिए दो चौक 8 हुआ, तो माइनस 20 माइनस 8 बराबर हो गया माइनस 28। तो यहाँ क्या करेंगे, इसकी बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बिक्री पे कुल प्रभाव पड़ेगा 28% की, 28% की कमी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इतनी बिक्री इसकी कम हो जाएगी, बिक्री में कमी, बिक्री पे क्या प्रभाव पड़ेगा, 28% बिक्री में कमी हो जाएगी इसकी, एक बार बढ़ा एक बार घटा, उसका फार्मूला नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपान 100
परसेंट निकाल लीजिएगा, नोट कर लीजिए, करते जाइएगा। अगला देखिए, यदि वॉशिंग मशीन के मूल्य में 15% कमी होती है, मान लीजिए ये एक्स है और ये वाई है, फिर उसके बाद वृद्धि होती है, तो यहाँ क्या हुआ, एक्स जो है माइनस में है, पहले मूल्य में कमी है, तो इसका फार्मूला नोट करने के लिए क्या होगा, बिक्री प्रभाव इसका होगा, नोट कर लीजिए, ट्रिक है इसका, ट्रिक है, नोट कीजिए, माइनस एक्स, ठीक है, फिर प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100, जो आएगा वही परसेंटेज होगा। देखिए माइनस 15 देख रहे हैं ना, प्लस 20 माइनस 15 गुणे 20 बटा 100, माइनस 15 माइनस प्लस 20, यहाँ आ गया प्लस 5, जान ही रहे हैं आप, माइनस 15 दूनी 30, 300 हुआ, 300 भाग देंगे आ जाएगा 3, प्रभाव आगे 2, इसकी कुल बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कुल बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 5 माइनस 3 देख रहे हैं ना, इसकी बिक्री पर कुल प्रभाव पड़ा क्या, 2%, 2% क्या प्रभाव पड़ेगा, 2% 2 पॉजिटिव है ना, यहाँ क्या हो जाएगी वृद्धि, क्या हो जाएगी वृद्धि हो गई, 2% की बिक्री पर वृद्धि आई, यहाँ पॉजिटिव आया समझिए वृद्धि है, ये माइनस आया निगेटिव आया समझ लीजिए यहाँ क्या है, कमी हो रही है, घट रहा है, ह्रास हो रहा है। अगला देखिए, यदि किसी टीवी के मूल्य को पहले 40% बढ़ा दिया जाए, फिर बढ़े हुए मूल्य को 40% कम कर दिया जाए, टीवी के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, इसको मैं पिछले टर्न बताया भी था। देखिए पहले 40% की वृद्धि हो रही है, 1% की वृद्धि हो रही है, फिर 1% की कमी हो रही है, इसके इसका फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर कर लीजिए बटा 100, जो होगा कमी ही होगी, कमी ही होगी, जरा देखिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ये हमेशा कमी होगी, उतने परसेंट की वृद्धि हो रही है फिर उतने परसेंट कमी हो रही है, तो टोटल में कमी ही आएगी, जरा ऑपोजिट करते हैं, उल्टा करते हैं, पहले कमी कर दी जा रही है 1% की, फिर 1% की बढ़ोतरी कर दी जा रही है, तब भी वही उत्तर आएगा, तब भी वही उत्तर आएगा, मतलब कमी ही होगी, इसका उत्तर क्या है, 40 का स्क्वायर कर देंगे, 100 का भाग देंगे, 40 स्क्वायर 10 है, तो यहाँ 00 हो जाएगी स्क्वायर में, 4 चौका 16, ट्रिक वर्ग के वर्ग समय में, वर्गमूल पढ़ाते समय में बताऊंगा आपको, देखिए एक कट जाएगा, ये बराबर आ गया 16, क्या आ गया 16% की क्या होगी इसमें, वृद्धि होगी कमी होगी, सीधे सीधे, अब यहाँ पॉजिटिव निगेटिव नहीं देखेंगे, इसमें 16% की कमी ही होगी, कमी होगी, कमी के अलावा बढ़ोतरी नहीं हो सकती। अब देखिए आज आपका सवाल आपके लिए दे रहा हूँ, जिस ट्रिक पर आधारित हो आप उसको हल कीजिएगा जल्दी से, कमेंट बॉक्स में अपना जो है कमेंट कीजिएगा, उत्तर दीजिएगा इसका, एक वीडियो कैसा लगा रहा है आप लोगों को, ट्रिक कैसी लग रही है आप लोगों को, अपना रिस्पांस बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर मुझ तक पहुँचाइएगा। और देखिए आपका सवाल है आज के लिए, यदि एक संख्या के मान में 20% की बढ़ोतरी की जाए था फिर 20% की कमी की जाए, संख्या के मान में हालांकि कोई परिवर्तन नहीं होता है, 0.4% की बढ़ोतरी होगी, 2% की बढ़ोतरी होगी, 4% की कमी होगी, इनमें से कोई नहीं, कौन सा विकल्प सही है, अपना जो है रिस्पांस जो है, अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स जरूर दीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ आज का यह जो है पाठ्यक्रम हम हिसाब करते हैं, और देखिए आप लोगों को थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।